companies can also be named as a can also be termed as a startup. Okay. It's just that startup is a if I may say it's a privilege or it's a category of companies as well. Companies can also be termed as a startup. Benefits क्या है? जी. First of all, आपको tax holiday मिलता है. Tax holiday का मतलब ये है कि आपके पिछले XYZ number of years के लिए आपने जो भी कमाई करी है आपको इनकम टैक्स में टैक्स हॉलीडे मिल जाता है, माने आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है. तो 5 years यू गेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स इफ यू आर रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप. सेकंड, आपको कैपिटल गेन्स में एग्जेम्पशन मिल जाता है. आई वोंट गेट वेरी टेक्निकल हियर, इट इज टैक्स एस्पेक्ट एंड हियर वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द लीगल कंप्लायंसेस अबाउट स्टार्टअप्स. आपको क्रेडिट गारंटी मिल जाता है. क्रेडिट गारंटी क्या होता है? अगर मुझे पैसा उठाना है या इफ आई वांट टू सीक अ लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक्स, जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, अगर मुझे लोन्स उठाने हैं टू कैरी आउट माय बिजनेस एज अ स्टार्टअप, इन दैट केस आई इजिली गेट लोन. आई वोंट से दैट आई हैव द राइट टू गेट द लोन, बट आई इजिली गेट अ लोन व्हेन आई एम नेम्ड एज अ स्टार्टअप. क्यों? One of the reasons is because I have registered myself. I've done an extra compliance to get myself named as a startup. So, एक जो credibility होती है सरकार की नजरों में as a startup, इसीलिए आपको loan या credit facility जो bank से मिलती है वो easily मिल जाती है. So, there are n number of schemes for startups, different sectors, different industries, different schemes. सरकार अपने स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे इट कम्स अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स एंड एलोकेशंस फॉर दी स्टार्टअप्स, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो आप दोनों सरकार के अंडर, अगर मैं महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रही हूँ तो मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से ये बेनिफिट्स ले सकती हूँ. जस्ट टू नेम अ फ्यू, देयर आर अ फ्यू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जो सारे बिजनेसेस को अप्लाई करते हैं. वन ऑफ देम इज स्टैंडअप इंडिया. अब स्टैंडअप इंडिया क्या है? If I am a woman entrepreneur, मैं एक female हूँ, या मैं scheduled caste या scheduled tribe को belong करती हूँ and I am the entrepreneur to a business, in that case मुझे loans facilitate किए जाते हैं right from 10 lakhs to 1 crore. So this is one of the schemes by the central government, जहाँ पे SIDBI, Small Industrial Development Bank of India, IDBI का एक branch है SIDBI. SIDBI gives loan facilitations to these businesses where it's taken forward or which is owned by a scheduled caste or a scheduled tribe or women entrepreneurs to help them grow in their business. This is one of the schemes. Second, there is a single point registration scheme जहाँ पे सरकार जब tenders वगैरह के साथ आती है. Say for example, सरकार को 1 lakh chairs की जरूरत है और 1 lakh tables की जरूरत है. So it comes up with a tender. तो यहाँ पे सरकार preference देती है जो registered as a startup है उनको preference देती है in terms of buying these products from them. Okay. So that is one incentive. Of course, if you are a normal entrepreneur, आपको जो regular criteria है, I'll tell you when it comes to tender participation, सरकार के पास एक strict guidelines होते हैं कि वो guidelines के under ही उनको किसी से चीजें खरीदनी होती है. अगर मुझे 100 chairs लेनी है and I am the government, I will have to follow a strict criteria जहाँ पे आपको 10 साल का experience होना चाहिए chairs sell करने में, या आपका turnover इतना इतना होना चाहिए अगर मुझे आपसे chairs खरीदने हैं, या आप मुझे चेयर्स दोगे या नहीं दोगे इस चीज का मुझे पक्का भरोसा नहीं है. मैं सरकार हूँ, मुझे भरोसा नहीं है कि आप मुझे चेयर्स इस साल में प्रोवाइड कर सकोगे या नहीं. तो मैं आपसे एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लेती हूँ. एक देयर इज एन एक्स अमाउंट जो डिपॉजिट आपको करना पड़ता है टू बी एप्लीकेबल इन दैट टेंडर बिडिंग. ओके ओके. लेकिन जो हमारे स्टार्टअप्स है या MSMEs है इनको ये चीजों से, ये जो फैक्टर्स है इनसे वेव ऑफ किया जाता है. वेर इन इवन इफ यू हैवंट बीन इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग चेयर्स इन द लास्ट 10 years और 7 years, इट्स ओके. यू डू नॉट हैव टू पे द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. इट्स ओके. यू जस्ट हैव टू यू नो साइन द टेंडर एंड देन यू बिकम ओपन टू यू नो पार्टिसिपेट इन दैट बिड. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट यहाँ पे आपके क्वालिटी के लिए कोई
क्वालिटी अश्योरेंस के लिए कोई इट वॉन्ट गिव यू एनी, उसमें चांस नहीं लेगा सरकार. सरकार सब कुछ चेक करके लेगा, लेकिन ये जो पैरामीटर्स है उसमें थोड़े से कंसेशन दिए जाते हैं फॉर स्टार्टअप्स.